आप हैं जहां, न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 81 में बनी एक नामी कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट कर फरार हुए 6 लुटेरों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो वारदात 25 फरवरी की देर रात की है। कंपनी के सुपरवाइजर ने थाना खेड़कीडोला में शिकायत दी थी कि कुछ बदमाश कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर कंपनी से कीमती सामान लूट कर फरार हो गए हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए क्राइम यूनिट सेक्टर 17 को जांच सौंप दी। जांच के दौरान क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीपी क्राइम की माने तो लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र उर्फ धर्मू, हरेंद्र, सुमित उर्फ गोविंद, विकास उर्फ पोपट, नकुल व अमित उर्फ भांजी के रूप में हुई है। सभी आरोपी चरखी दादरी के रहने वाले हैं। डकैती मामले का खुलासा हुआ है, क्या कुछ मामला है सर? ये दिनांक 24-25 की बीच की रात को खिड़कीडोला थाने के इलाके में सेक्टर 81 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ हथियारबंद लोगों ने हथियार के बल पे वहाँ पे जो गार्ड थे, 6 गार्ड और 2 कैंटीन में काम करने वाले लोग, उनको बंधक बना के और वहाँ पे जो सामान था सेटरिंग का और जो सामान था उसको गाड़ी लगा के उसमें भर के और ले गए, जिसके संबंध में थाना खिड़कीडोला थाने में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इस मामले में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने काम करते हुए उसमें शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है धर्मेंद्र उर्फ धर्मू जो जुकला का है, हरेंद्र पुत्र सुरेंद्र ये भी जो जुकला का है, सुमित उर्फ गोविंद पुत्र विजेंदर ये भी झोजू कला का रहने वाला है, और विकास उर्फ पोपट ये लोहारू का, और नकुल उर्फ धर्मपाल निवासी झोजू कला, इनको अमित उर्फ भांजा ये सतनाली का रहने वाला है जो झोजू का भांजा है, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें और भी कुछ लोग शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और आज हमने इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इनका पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया है और इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। हमें उम्मीद है कि इसमें और गिरफ्तारियां जल्द हम करेंगे और भी इनमें वारदातों की संभावनाएं हैं जिसका खुलासा आगे होगा। अभी तक कितनी वारदातों का खुलासा हुआ है, क्या कुछ बरामद हुआ है सर इनसे? अभी तक तो इन्होंने इसी वारदात के बारे में बताया है। अभी आज पुलिस रिमांड पर लेके इनसे गहनता से और पूछताछ की जाएगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या कुछ बरामद किया गया है सर इनके पास से? अभी बरामदगी के लिए ही रिमांड लिया गया है और अब इनसे बरामदगी की जाए। ठीक है सर। पुलिस ने लूट के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से लूटा गया सामान व वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करने में भी जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट।